24 जून भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने, ये भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है देश से दिया, क्योंकि 25 का प्रोग्राम हमारा ये पार्टी का था, तो मोर्चे को 24 का मिला कि 24 जून को आपातकाल की पूर्व संध्या पर हम लोग ऐसी बहनों को, वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे जो मीजा में या तो जेलों में रहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, या उनके पति, उनका, उनके भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो वहाँ पर रहा और उस महिला को उस कारण प्रताड़ना सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े जो उसके हालात उस वक्त हुए, तो उनको हम लोग महिला मोर्चा की बहनें उनको सम्मानित करेंगी। 25 जून 1975 को भारत के इतिहास पर काला दिवस के रूप में है कि वो जो उस दिन प्रजातंत्र, लोकतंत्र की हत्या की गई और बिना किसी कारण के, बिना ऐसी परिस्थितियों में, जबकि देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी आपातकाल जिसमें लागू किया जाता, केवल निज हित के कारण, निज स्वार्थों के कारण कांग्रेस ने ये अपना, अपने हित के कारण ही ये इमरजेंसी लगाई। उसके विरोध में हम लोग पूरे देश में जेल भरो आंदोलन 25 जून को चलाएंगे और हजारों की संख्या में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पंचकुला जिले में भी गिरफ्तारियां देंगे। घोटालों की बड़ी सरकार है, भ्रष्टाचारियों का राज है, दुराचारियों का राज है, नारी उत्पीड़न है, महंगाई की मार है, कभी ये रेट कम करते हैं, अभी ताज़ा ये पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए 2 रुपये, कभी ये कुछ करते हैं कभी कुछ, इनको कोई पूछने वाला नहीं। आधे से ज़्यादा मंत्री यूपीए में जो हैं भ्रष्टाचारी हैं और अपराधी हैं। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जब समाज की, देश की, प्रदेश की, हर एक जगह की दशा और दिशा बहुत ही दयनीय हो गई, तो ये कांग्रेस को सत्ता में यूपीए के बनने का कोई अधिकार नहीं है, इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये आम जनता को, आम पब्लिक को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें।